हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम हमारी किचन गार्डनिंग में आ गए हैं, ये देखो। और अभी हम काउली फ्लावर को हार्वेस्ट करने वाली हैं, ये देखो। अभी हम इसको हार्वेस्टिंग करेंगे और इसको हार्वेस्ट करने के बाद हम इसमें रखेंगे, हम बोलते हैं सूर्या, उसमें रख रही है। और बहुत सारे कटिंग भी करना है हमको, फूल गोभी वगैरह भी। और इस सब्जी को ही अभी आज हम पकाने वाली हैं। और मेरी चैनल पे नहीं है ये है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ये देखो, हमने दो गोभी ले लिया है, फूल गोभी। और अभी हम ओल गोभी को हार्वेस्ट करने वाली है, इसको हम लोग ओल गोभी बोलते हैं। और आप लोगों की भाषा में इसको क्या बोलते होंगे, हमको इसका नाम नहीं पता है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अभी के लिए बस इतना ही है, हम इसको ही कुकिंग करेंगे। और इसको हम, ये देखो हमने ले लिया है और बम्बू ट्रे में रख रही है इसको। और हम इस सब्जी के साथ ऐड करेंगे आलू, आलू के साथ हम इसको कुकिंग करेंगे, पकाएंगे। और अभी हमने आप लोगों को काट के भी, आप लोगों के सामने काट के भी नहीं दिखाए है, और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए ऐसे कटिंग कर दिया है। और इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम फेंक के लिए दे देंगे। और इसको हम अच्छे से धो के रख दिया है, आलू को भी अच्छे से धो के, ओल गोभी और फूल गोभी को भी। और ये देखो, हमने कटिंग भी करके रख दिया है। और अभी तेल गर्म हो गया है, कढ़ाई गर्म कर रही है। और हमने आप लोगों के सामने ओनियन वगैरह डाला नहीं, ऐसे ही रिकॉर्डिंग करना भूल गया था हमने। और अभी हमने इस सब्जी को ऐड कर दिया है जो हमने खत्म करके रखा था। आगे वीडियो में देखिए, वीडियो का स्किप मत करना। मिलते हैं वीडियो के एंड के बाद। इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किया था उसको हमने रिकॉर्डिंग करना भूल गया है। और इसमें हमने ऑनियन ऐड किया है, गार्लिक, जिंजर ग्राइंड किया हुआ मैंने इसको भी डाल दिया है। और इसमें ग्रीन चिली डाला है और हल्दी पाउडर भी डाला है और नमक भी ऐड किया है। और इस पर हम ऑयल भी ऐड किया हुआ है। और अभी हम इसमें पानी ऐड करने वाली है, ये देखो हमने ऐड कर दिया है पानी, जितना आपको देना है उतना दे सकती है। और ये रहा हमारा मूली, इसको भी हमने अच्छे से धो के रख दिया है। और हमारी किचन गार्डनिंग से है ये भी, और इसको हम चटनी बनाने वाली है। और ये देखो, हमारी सब्जी इतनी अच्छी तरीके से पका है। और हम इसमें गरम मसाला ऐड कर लिए और इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रखेंगे। और ये हमारा सब्जी बनके रेडी हो गया है और ये बहुत अच्छे से पक भी गए हैं। और आप लोगों को मेरा आज का रेसिपी कैसा लगा, अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी योर नेक्स्ट वीडियो। और आप, और ये देखो हमारा मूली की चटनी, और अभी जो हमने कुकिंग की थी उसके साथ हम खाने को इन्जॉय करने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी योर नेक्स्ट वीडियो।